इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अलग अलग मास्टर्स यानी कि आपके लॉगिन मास्टर्स, सब लॉगिन मास्टर्स और अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टॉप राइट पर अपनी कंपनी के नाम के ऊपर क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे मास्टर्स के ऑप्शन हैं, कस्टमर मास्टर्स, सब लॉगिन, B2C लॉगिन और मैनेज प्रोडक्ट। अगर आप कस्टमर मास्टर्स में जाते हैं तो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं तो वो पूरे कस्टमर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, कौन से सिटी से है, कस्टमर कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, ट्रैवल एजेंट है, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से न्यू कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद सब लॉगिन, तो अगर आपने अपने अलग अलग एम्प्लॉइज़ को सब लॉगिन दे के रखा है या फिर अपने अंडर किसी ट्रैवल एजेंट्स को सब लॉगिन दे के रखा है या फिर आपने अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को सब लॉगिन दे के रखा है तो उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ से नया सब लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं और आपके जितने भी सब लॉगिन हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ से आप PDF और एक्सेल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद B2C लॉगिन यानी कि आपका जो भी वाइट लेबल पोर्टल है जिसमें कस्टमर अपने आप आके लॉगिन अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कंपनी का नाम XYZ ट्रैवल्स है और आपने XYZTravels.com से अपना वाइट लेबल पोर्टल बॉन्टन के थ्रू बना के रखा है, उसमें जब भी कस्टमर्स आते हैं, कोई भी कस्टमर विजिट करते हैं फ्लाइट, होटल या कोई भी सर्विस बुक करने के लिए, तो बुक करने से पहले उनको अपना वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के टाइम उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे ही कस्टमर्स कोई भी बुकिंग करते हैं उसको अगर फ्यूचर में कोई भी बुकिंग में चेंजेस अमेंडमेंट करना है तो उनको सेम इन्फॉर्मेशन से वो वापस चेंजेस भी कर पाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक वो स्पेसिफिक कस्टमर ने आपके पोर्टल से कितना क्या क्या बुकिंग किया है, बुकिंग हिस्ट्री क्या है, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप कस्टमर्स को, अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स को डिटेल एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं और उसका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। और सेम अगर आप चाहे तो उसको एक्सेल और PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं।